महाभारत में भीम और हिडिंबा की कहानी एक रोचक कथा है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक अवश्य करें। पांडवों के वनवास के दौरान एक भयानक हिडिंब नाम का राक्षस जंगल में रहता था। वह अक्सर उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों पर हमला कर उनका खून पी लेता था। एक रात पांडवों को विश्राम करते समय हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा को आदेश देता है कि वह मानव रक्त लाए। हिडिंबा पांडवों के पास पहुंची और भीम को चुनौती देती है। हिडिंबा पराजय स्वीकार कर लेती है और भीम को मारने के बजाय उससे प्रेम करने लगती है। फिर हिडिंब अपनी बड़ी बहन की खोज में आ गया तो उसने वहां हिडिंबा को भीम के साथ अनोखा दृश्य देखा और क्रोधित हो गया। भीम और हिडिंब के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। भीम अपनी असीम शक्ति से हिडिंब को पराजित कर देता है। यह देखकर बाकी पांडव चौंक जाते हैं। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव हस्तक्षेप करते हैं। हिडिंबा बताती है कि वह भीम को अपना पति मान चुकी है और उसके साथ ही रहेगी। चर्चा के बाद एक अस्थाई समझौता होता है। भीम हिडिंबा के साथ रहने के लिए सहमत होता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उन्हें संतान ना हो जाए। कुछ समय बाद हिडिंबा को एक बेटे का जन्म होता है। उसका नाम घटोत्कच रखा जाता है। घटोत्कच के जन्म के बाद भीम हिडिंबा को छोड़कर पांडवों के साथ चला जाता है। घटोत्कच राक्षसों और मानवों के मिश्रण जैसा दिखता था और उसके सिर पर बाल नहीं थे। बाद में महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी और वीरतापूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुआ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक अवश्य करें।